तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में और कुछ थ्योरिकल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सेल की क्लासेस में थ्योरी क्लासेस में फर्स्ट ही देता हूँ। वीवी क्लासेस जब होती है तो थ्योरी क्लासेस जो होती है 3-4 दिन की चलती है, बट एक्सेल में थ्योरी क्लासेस एक ही दिन होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि जो हमारा एक्सेल है, इस एक्सेल का यूज कहाँ है। मान लीजिए कि क्या यूज करेंगे, किसी से आपने पूछ दिया, किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप एक्सेल एक्सेल पे क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं एक्सेल पे, क्या किया जा सकता है एक्सेल पे। तो इसके लिए मेरे पास तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं। पहला कि हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा स्टोर करते हैं पहला। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि डेटा स्टोर तो आप करते हैं, बट दिस इज नॉट ए डेटाबेस, ठीक है, ये कोई डेटाबेस नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डेटाबेस की कुछ क्राइटेरिया है, उसमें से किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहला क्राइटेरिया डेटाबेस का कि सिक्योरिटी, एक्सेल की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इसमें इजीली इसके अंदर जो फाइल्स है उसकी पासवर्ड को तोड़ा जा सकता है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पासवर्ड को ये आपके पास 2019 मॉडल है क्या? जी हाँ, एक्सेल का जी। हाँ जी, तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस नहीं है मेरे मेरे पास आएंगे। मेरे पास 2015 मॉडल, एक सेकंड दीजिए मैं आपको चेक करता हूँ। आप एक्सेल फार्मूला एक्सेल लीजिए और एक्सेल का एक फार्मूला लगाइए इन्फो का। इन्फो? हाँ, इन्फो में आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए रिलीज। रिलीज सिलेक्ट करके एंटर मारिए। अगर 16 है इसका मतलब 19 है आपके पास, अगर 15 है तो 16 है, अगर 13 है तो 13 है। हेलो, नहीं लारा दत्ता जी के साथ, लारा दत्ता जो एक्ट्रेस उसी की बात करें ना, तो किस तरह की क्लास में एंटरटेनमेंट क्लास है, बोर्डिंग क्लास है, कौन सी क्लास है? हेलो, सॉरी मैम, एक कॉल आ गया। तो मेरा ये 16.0 है, हां, तो 19 है। अच्छा, कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, इसका मतलब कि हिडन है वो। आ जाएंगे वापस। हां, नहीं मुझे उसका नहीं है, मैंने उसको आपको मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड शोर आ रहा था, कुछ पूछना हुआ तो अनम्यूट कर दीजिएगा। तो मैंने पहला पॉइंट यहां पहली पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि हम डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन मैंने बताया कि ये डेटाबेस की तरह यूज नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स है कि इसकी पासवर्ड रिकवर नहीं होगी, पासवर्ड कोई इजीली तोड़ सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए।
फाइल को इजीली डिलीट कर सकता है। इसमें साइज लिमिटेड है, अगर इसमें जैसे 10 लाख की कैपेसिटी है लेकिन आप 2-2.5 लाख से ऊपर डेटा डालेंगे तो फाइल बड़ी हैंग होगी, बहुत ही लो परफॉर्मेंस करेगी और साथ में करप्ट होने के चांसेस भी है। तो इस कारण से इसको हम डेटाबेस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। जब डेटाबेस की तरह हम यूज इसको नहीं कर सकते हैं तो इसमें किस तरह का डेटा लोड होगा, किस तरह का डेटा हम डालें? इसे बेसिकली 3 तरह का डेटा डालता है। पहला मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा इन सेंस कि आप मान लीजिए आप अकाउंटिंग में काम करते हैं, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे टैली आप यूज करते हैं, सारे लेन देन आपकी टैली में होती है, लेकिन फिर भी आप जो है एक्सेल पे डेटा स्टोर करते हैं जैसे कि पेटी कैश, जैसे ऑफिस के छोटे मोटे खर्चों का जो रिकॉर्ड होता है। आप 2 रुपए की फोटो स्टेट कराने के लिए अपने टैली में थोड़ी अकाउंट लेजर ओपन करेंगे। तो ऐसे जो मिसलेनियस डेटा है जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते हैं वैसे इसको स्टोर करते हैं। दूसरा SME, जैसे शॉर्ट मिनिमम इंटरप्राइजेज, जैसे हम जैसे छोटे लोग जिनके पास 5-10 हज़ार का डेटा अमाउंट होता है, ज़्यादा बड़ा डेटा अमाउंट नहीं होता है, वो लोग एक्सेल को एज ए डेटाबेस यूज कर लेते हैं। तीसरा कॉर्पोरेट्स में आप हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप हैं, फिर भी आप अपने एक्सेल पे डेटा स्टोर करते हैं। कौन सा डेटा? एनालिटिक्स डेटा। जैसे कि आपको बोला गया कि मुझे 2 महीने का सेल्स समरी दिखाओ, या फिर आपको बोला गया कि पूरे साल का मंथ बाई सेल्स समरी दिखाइए, तो पहले आपको पूरे साल का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर से, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आपके पास SAP है, SAS है, Oracle है, Cisco है, जो भी आपके पास डेटा बेसिस है उसको आप स्टोर करें। तो वहाँ से डेटा लाएंगे और डेटा को एक्सेल शीट पर रखेंगे, और एक्सेल शीट पर रखने के बाद भी फॉर्मूला पिवट और बहुत सारे टूल्स की मदद से हम अपना रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो पहली पॉइंट थी कि हम एक्सेल में एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं लेकिन इसको डेटाबेस नहीं बनाते हैं, इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं मिसलेनियस, SME एंड एनालिटिक्स डेटा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे पॉइंट में जो होता है वो है इसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं, इसमें जो डेटा रखते हैं, इसका जो यूज करते हैं दूसरे पॉइंट वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक्सेल का यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। देखिए एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेल टू सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की जैसे कि पावर बी आई ले लीजिए, SQL ले लीजिए, ऑरिकल ले लीजिए, तो उसमें वो फिल टू फिल की कैलकुलेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि क्वांटिटी है और यहाँ पे MRP है, क्वांटिटी नहीं मान लीजिए यहाँ पे हाँ क्वांटिटी और MRP है, मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है। तो अब क्या है कि इसके अंदर फिगर है और इन दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए जस्ट सिंपल सा हम मल्टीप्लाई का मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देंगे और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो यहाँ हम हमारे पास हर सेल के एक एड्रेस है, जैसे कि ये हो गया आपका E3, ये हो गया आपका F3 और हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि पूरी फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है, तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं वो लग नहीं पाती है, तो मैथमेटिक्स का जो यूज़ है वो हो नहीं पाता। ठीक है, दूसरा इसमें हर तरह की कैलकुलेशन के लिए इसमें मान कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, करीब 300-400 फॉर्मूलेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, चाहे आपका सैलरी कैलकुलेट करना हो, इंसेंटिव कैलकुलेट करना हो, किसी का कमीशन कैलकुलेट करना हो, किसी तरह का कैप रेट, किसी तरह का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, तो हर तरह की कैलकुलेशन के यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि हर तरह की कैलकुलेशन क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूला है, उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो कंसेप्ट होते हैं A²B² टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं, उस सारे फॉर्मूलेज का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद हम तीसरा यूज जो होता है वो होता है डेटा एनालिटिक्स।
अब जैसे कि मान लीजिए, और मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे सामने डेटा है, मेरा सेल्स डेटा है, मुझे चाहिए कि किस सिटी के किस एरिया में कितनी क्वांटिटी सेल है, बस मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसके लिए इसमें विथ इन मिनट के अंदर में आप पिवट टेबल और बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करके विथ इन मिनट में आप अपना रिपोर्ट बना सकते हैं कि एरिया वाइज सिटी वाइज कितनी क्वांटिटी से ये हो गए विथ इन मिनट्स। उसके बाद इसी में आता है रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन का जो यूज है हमारा वो तो हम पावर पॉइंट में करते हैं, एक्सेल में क्या होता है। देखिए, हम जो डायनेमिक जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए हम एक्सेल में प्रेफर करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा रहा है, आपके साथ अभी देखा आपने कि मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाया हुआ, जून का रिपोर्ट है, अलग अलग तरह से डिजाइन करके हमारे जो डेटा है इस डेटा पे हमने रिपोर्ट बना ली। अब मान लीजिए कि इसी रिपोर्ट को मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंट करूँ तो बना के प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए जून का रिपोर्ट है, बॉस ने देखा या जो भी पर्सन है उसने देखा, बोले तो जून का तो दिख रहा है, लेकिन एक काम को जुलाई का भी दिखाओ या फिर अगस्त का दिखाओ या फिर मई का दिखाओ, तो आपको क्या होगा कि आपने बना रखा होगा तो उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, बना फिर बहुत से घंटे दो घंटे का टाइम लेकर फिर आपको मई का बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, किसी ने बोला कि मुझे जुलाई का रिपोर्ट बनाओ तो जस्ट मैं यहाँ जुलाई सेलेक्ट करूँगा और जुलाई का रिपोर्ट बन जाएगा। अब जैसे कि कस्टमर का ओवरऑल सेल है लेकिन उनका एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि पीक पे चल रहा है, तो प्रोडक्ट का चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये प्रोडक्ट वन का पूरा सेल है, सेल्स पर्सन का चाहिए, सेल्स पर्सन का नाम, ये सारी चीज़ हमने पर्सन वन का, सेल्स पर्सन वन, अब पूरी रिपोर्ट सेल्स पर्सन वन के अकॉर्डिंग बन गई है। ठीक है, तो इस तरह का रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंट, अब चौथा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है शेयरिंग। अब देखिए शेयरिंग पार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब कि हम किसी को, आपको मान लीजिए कोई डेटा भेजना है तो अभी भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक्सेल में बना के भेज दें। किसी को अगर किसी भी पर्सन को किसी तरह का डेटा आपको भेजना है तो हम प्रेफर करते हैं कि एक्सेल में बना के भेज दें। लेकिन क्या है कि बाकी सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि आपका पावर बी आई भी है, लेकिन अगर पावर बी आई एक्सेल से बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाता है, अगर ये रिपोर्ट की जो इसमें जो रिपोर्ट है, अगर ये रिपोर्ट बना उठा के मैंने बनाया उठा के आपको भेज दिया, तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले पावर बी आई को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने पावर बी आई को डाउनलोड नहीं किया तो इस रिपोर्ट को नहीं देख सकते। एक्सेल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेल की मोस्टली पीसी पे एक्सेल होता ही है, अगर किसी पीसी पे एक्सेल नहीं है तो उस एक्सेल का सब्स्टिट्यूट तो जरूर होगा, उस पीसी पे एक्सेल का सब्स्टिट्यूट तो जरूर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो वो जो है यूज कर सकते हैं, गूगल शीट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिपोर्ट आया हुआ है, मुझे इसको ना डाउनलोड करना है, मेरे पास एक्सेल भी नहीं है, तो इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही यही देखिए रिपोर्ट मुझे यही पर दिख गई। ठीक है, तो यही पे रिपोर्ट देख सकता हूँ, मुझे कोई एक्सेल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पॉपुलर है। इतना पॉपुलर होने के पीछे इसी का रीज़न है, इसी तरह की प्रॉब्लम ये होती है, बेनिफिट होता है कि हर कोई इसको देख सकता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम एक्सेल का इस्तेमाल, जो भी एक्सेल हमारा है उस एक्सेल का इस्तेमाल जो है हम करते हैं डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा रिप्रेजेंटेशंस एंड शेयरिंग। अब कोई आपसे पूछे कि एक्सेल का इस्तेमाल क्यों होता है, चाहे इंटरव्यू में पूछे, चाहे कहीं और पूछे, या आपको कुछ बात समझना हो तो आप सिंपल बता सकते हैं कि डेटा का यूज हम इस तरह से करते हैं, इस पर कोई सेंटेंस बना लीजिए।
मान लीजिए डेफिनेशन टाइप का कोई सेंटेंस बना के आराम से बता सकते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब एक्सेल का आर्किटेक्चर को समझते हैं। इतना बेसिक नहीं जा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपका जो एक्सेल है, हर एक्सेल शीट में आपके पास ये होता है, एक्सेल में एक एक्सेल शीट होता है, और हर एक्सेल शीट के अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम होते हैं, हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे कि A1, B1, C1। अब ये एड्रेस क्यों होता है, एड्रेस होने के पीछे रीजन क्या है। जैसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 30 लिखा। अब मुझे 20 और 30 को प्लस करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 20 प्लस 30 और रिजल्ट 50 यहाँ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो अपडेट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं A2 प्लस B2। अब A2 मतलब क्या होगा, A रो एंड 2 नंबर रो, तो A2 को प्लस नहीं कर रहा है, A2 की जो वैल्यू है, A2 एक लोकेशन हो गया, A2 की जो वैल्यू है उसको कर रहा है। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका XYZ होता है, आप X प्लस Y कर दिया, इसका मतलब नहीं कि X प्लस Y हो जाएगा, इसका मतलब कि X की जो वैल्यू होगी, जैसे 10X की वैल्यू हुई तो 10, और Y की वैल्यू अगर 20 होगी तो 10 प्लस 20 होगा। तो सेम यहीं पर ये आपका A2 प्लस B2, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो ये अपने आप को चेंज करेगा। अगर ये एड्रेस सिस्टम ना हो तो फिर बहुत सारी चीज़ों में लिंकिंग होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एड्रेस सिस्टम दिया गया। अब एड्रेस सिस्टम में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, अब इस नंबर्स में मान लीजिए मुझे 20 ऐड करना है हर नंबर्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और प्लस 20 करेंगे। अब हमने एक को किया, अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे, कॉप यहाँ पे कर्सर पॉइंट ले जाएंगे, इस तरह पॉइंट बनेगा, जब इसको ड्रैग करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो हर यहाँ पे देखिए क्या था, A1 प्लस 20 था, अब यहाँ पे B1 प्लस 20 हो गया, यहाँ पे C1 प्लस 20 हो गया, यहाँ पे आपका A4 प्लस 20 हो गया, तो हर बार इंक्रीज होता है। तो एक अच्छी साइंस है कि आपने एक जगह पे लगाया फॉर्मूला और कॉपी पेस्ट के नीचे ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए कि ये फीचर नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा ये पेंडेमिक हो जाता, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 लाख रो है तो आपको 10 लाख रो पे मैनुअली जाके फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। जी, ये बेनिफिट है, यहाँ पे हाँ जी बेनिफिट है ना इसका। वैसे हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इसका अगर हम ए रो का ए कॉलम का भी अगर हम नए काम करना हो तो ऑल्ट और इक्वल टू का साइन करेंगे तो वैसे भी ग्रैंड टोटल आ जाएगा। हाँ, तो टोटल आएगा ना, मतलब हम तो यहाँ ऐड कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं, कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये डबल क्लिक करेंगे B1 पे तो भी आ जाता है। जी जी, अब जैसे मान लीजिए कि D20 है हमारे पास, अगर मैंने बोला कि A1 प्लस D1, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसे A1 प्लस D1 है ऐसे यहाँ पे A2 प्लस D2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे A1 का A1 ही रखना है, बट यहाँ पे A1 को A2 A3 A4 5 पे चेंज करना है, बट यहाँ D1 को फिक्स रखना है, समझ गए। जी जी, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखिए इसमें क्या होता है, हर नंबर में रो एंड कॉलम होता है, तो आपको ये देखना है कि आप टॉप टू बॉटम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरा टॉप टू बॉटम है, तो मैंने रो नंबर जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 जो नंबर होते हैं, इस नंबर को हम यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं।
और नीचे की तरफ ड्रैग कर, तो यहाँ आ जाएगा। तो ए टू हो गया बट डी वन हमारा फिक्स रहा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूँगा, मतलब कि मैं ड्रैग इधर करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या हो गया, ई टू ई वन हो गया। अब मुझे ई वन नहीं डी वन रखना है, तो आपको कॉलम के आगे भी लगाना होगा। मतलब अगर कॉलम को फ्रीज करना है तो कॉलम के आगे, ट्रैक्टर के आगे लगाइए। रो को फ्रीज करना है तो रो के आगे लगाइए। दोनों का करना है तो दोनों का आगे लगाइए। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आम भाषा में हम लोग इसको फ्रीज करते हैं, कॉन्स्टेंट करते हैं, फ्रीज करते हैं, लेकिन इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस माने कि एक्सेल के लैंग्वेज में बोला जाता है। और इसका यूज आगे चल के हर फॉर्मूले में करेंगे। ठीक है, इसमें आ गया आपको? अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि हम मान लीजिए कि हमें एक्सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी, मतलब कि कोई टॉपिक के बारे में। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पढ़ाया बट आप भूल गए, तो यहाँ टेल मी मोर पे क्लिक करें तो हेल्प में आपको यहाँ पे हेल्प के अंदर यहाँ पे आप सारे डिटेल्स आ जाएंगे, या F1 प्रेस करके आप सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा बताओगे क्या? F1 प्रेस कीजिए कि कीबोर्ड का। नहीं नहीं, स्टार्टिंग का आपने। हाँ, मुझे कि किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना हो तो उस पर कर्सर रखिए। अच्छा, यहाँ पे टेल मी मोर आ गया, या F1 प्रेस करके हेल्प खुल जाएगा, उस पर आप सर्च करिए। जैसे कि गूगल पे आप सर्च करते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो जनरली लोग गूगल पे ही जाते हैं, पर गूगल पे दी गई इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट नहीं होती है। वो हम जैसे आप जैसे लोग जो है अपने आर्टिकल्स वगैरह में करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मुझे मान लीजिए लिमिट्स के बारे में सर्च करना है, तो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आ गया लिमिट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गया, एक्सेप्लीकेशन लिमिट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसी तरह से शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी चाहिए आपको। देखिए मैं तो शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, रीजन है कि मैं अगर कुछ की प्रेस किया तो आप कीबोर्ड पर देख नहीं पाएंगे कि मैं कौन सा की प्रेस किया, पता नहीं चलेगा मैंने क्या अप्लाई किया। देखिए आपको शॉर्टकट का लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे हम शॉर्टकट्स लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास शॉर्टकट्स का पूरा यह आ जाएगा। एक्सेल शॉर्टकट इन द ऑफिस एंड द एक्सेल, जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो एक्सेल का हेल्प, एक्सेल हेल्प में आपको भी फीचर्स के बारे में जानना है तो एक्सेल हेल्प पे जा सकते हैं। ठीक है, हेलो, तो हाँ जी, तो गरिमा जी।